हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2017 को क्वालिफाई करने की ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे आप कैसे तैयारी करें कि और कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और एग्ज़ाम देने से पहले आपको किन क्वेश्चनों को करना है, मतलब कि जैसे कि जीए, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में से कितने कितने क्वेश्चन करने हैं जिससे कि आपकी कट ऑफ निकल जाए, और उसमें जो बचा हुआ टाइम है उसमें कौन से पोर्शन का कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आज को मैं इस वीडियो में आपको यही से बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि एसएससी 2017 में एग्ज़ाम में मतलब किस जैसे कि जीए, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जीए से 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से भी 50 और रीजनिंग से 50। तो सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देते वक्त पहले आपको जीए के पोर्शन को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद आप आइए रीजनिंग के पोर्शन पर। आप इसमें से कम 22 रीजनिंग से 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लीजिए जो आपको आते हैं और उसको क्लियर कीजिए। इसके बाद आप मैथ में आइए। मैथ में भी आप 20 से 21 या 2 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए मैथ में भी, जिससे कि आपकी कट ऑफ निकल जाए। इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आता है। इंग्लिश में भी आपको 20 से 25 एबव क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको पता हो, तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ टाइम है इसमें आपको जो ज़्यादा मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जैसे कि रीजनिंग में बचे हुए 25 क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप कर सकते हैं, और जो मतलब 1-2 मिनट 5-6 मिनट का आखिरी में टाइम बचता है उसमें आप इंग्लिश या मैथ को चूज़ कर लीजिए, उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन कर लीजिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मैं कुछ और रोचक जानकारी लाऊंगा और जो मैथ या इंग्लिश से रिलेटेड होगा। तो अंत में आपसे विदा लेता हूं, तो बाय।